जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं यौम सियाह के हवाले से। जो है वो इस वक्त कश्मीरी आवाम पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उसके खिलाफ जो है वो शोभा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी तादाद में आवाम जो है वो सड़कों पर आ गई है और निहत्ते कश्मीरियों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं कई दिहाइयों से काबिज भारतीय फौज की जानिब से उसके खिलाफ जो है वो इस वक्त एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। एहतजाज में जो है वो सहाफ़ी बिरादरी की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि रैली में जो है वो सहाफ़ी मौजूद हैं, तमाम जो है वो सरकारी महकमों के मुलाज़मीन जो हैं वो मौजूद हैं और सियाह रंग की पट्टियाँ जो हैं वो बांध रखी हैं और कश्मीरी आवाम के साथ जो है वो यकजहती का इजहार कर रहे हैं और कश्मीरी परचम जो हैं वो रैलियों में शरीक अफराद जो हैं वो थमे हुए हैं और इस वक्त जो है वो पाक फौज के हक में जो है वो यहाँ पर इस वक्त पाक फौज जिंदाबाद के जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। पाक फौज जिंदाबाद। इस वक्त जो है वो रैलियों में बड़ी तादाद में जो अफराद शरीक हैं उन्होंने जो है वो बैनर उठा रखे हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर इस वक्त सहाफ़ी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो शरीक हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, हम उनसे इस वक्त जो है वो बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जो है वो सदर हमारे साथ मौजूद हैं नवीद सदाना साहब, उनसे हम बात करेंगे। जी आप बताएं कि आपकी जानिब से जो है रैली का आज इनकार किया गया है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और डिस्ट्रिक्ट यूनियन जर्नलिस्ट की तरफ से आज ये रैली का कश्मीर जो कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था कश्मीर भारत जो वहाँ पर अपनी जरियत कायम कर रहा है वो किसी सूरत में नहीं हो सकती, इसलिए पूरा पाकिस्तान कश्मीर के साथ है। कश्मीर कल भी पाकिस्तान था, कश्मीर आज भी कल भी पाकिस्तान है। जी हमारे साथ जो और साफ़ी मजीद जो मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। मलिक वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मलिक वहीद आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग की तरफ से कश्मीर में हक में रैली निकाली गई है। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और इंशाल्लाह हम कश्मीर लेके हटेंगे। मोदी को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हम कश्मीर छोड़ने वाले नहीं हैं, कश्मीर आज भी हमारा है कल भी हमारा है इंशाल्लाह। ये हमारे साथ साफ़ी बिरादरी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद है और यहाँ पर साफियों की जानिब से भी रैली जो है वो निकाली गई है। इसी तरह जो है वो शोभा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी तादाद में अफराद जो हैं उनकी जानिब से जो है वो रैलियों का इनकार किया गया है। तुलबा की बड़ी तादाद जो है उस वक्त रैलियों में शरीक है और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि कश्मीरी आवाम का जो मुस्तकबिल है वो हक के खुद इरादियत में है। कश्मीरी आवाम जो है निहत्ते कश्मीरियों पर जो है वो कई दिहाइयों से मजालिम जो है वो उठाए जा रहे हैं और आज का दिन जो है 27 अक्टूबर का दिन जो है वो यौम सियाह है और आज का वो दिन है जब काबिज भारतीय फौज ने जो है वो गासपाना कब्जा किया कश्मीर पर और निहत्ते कश्मीरी आवाम पर जो है वो मजालिम का आज के दिन से जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। इस वक्त यहाँ जो मजीद जो सहाफ़ी हैं हम उनसे जो है वो बात करते हैं और के उनका क्या कहना है। हमारे साथ सहाफ़ी जो मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। जी आप बताएं कि आपका क्या कहना है? जी कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है और ये पाकिस्तान का ही हिस्सा रहेगा और इंशाल्लाह हम अपने पाक फौज के साथ हैं और ये इंशाल्लाह कश्मीर जो हम लेकर रहेंगे और इंडिया की आए रोज़ बर्बरियत जुल्म जो है वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं है और ये कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा कल भी था और आज भी और इंशाल्लाह रहेगा। आपने सुना कि जो है वो कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, कश्मीर आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीरी आवाम के साथ पाकिस्तान का हर बच्चा हर शख्स कश्मीरी आवाम के साथ खड़ा है, कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। कश्मीर हमारा दिल है और यही आज का दिन जो है वो जो अफराज रैलियों में शरीक हैं वो पैगाम देना चाहते हैं कि UNO जो है उस पर नोटिस ले। हक असल जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीरी आवाम का जो मुस्तकबिल है वो हक के खुद इरादियत में है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।